नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अग्निवीर बनने के लिए महिलाओं में दिख रहा गजब का उत्साह। बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे अब शिक्षक। बिहार के 11 विश्वविद्यालयों की मान्यता की जाएंगी रद्द। बेरोजगारी रथ पर सवार होकर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आज भारत के खिलाफ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगी वेस्ट इंडीज। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अग्निवीर बनने के लिए महिलाओं में दिख रहा गजब का उत्साह। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के तहत सेना में बहाली प्रक्रिया जारी है। इस बीच बिहार की महिलाओं में इस भर्ती के लिए काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 5 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद मोबाइल और लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। अब तक 1000 से अधिक महिला अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं। कुछ साइबर कैफे में भी रजिस्ट्रेशन ली जा रही है। आपको बताते चले कि नेवी में अग्निवीर स्कीम के तहत 80,000 महिला उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। शुरुआती दौर में महिला अग्निवीर के लिए भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय को नामित किया गया था, लेकिन अब दानापुर को केंद्र बनाया गया है। वज्रपात से जान गंवाने वाले के परिजन के लिए मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। एक बार फिर वज्रपात ने प्रदेश के 5 लोगों की जान ले ली है। इस साल अब तक 170 से ज्यादा लोग आकाशीय बिजली की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं वज्रपात की वजह से जान गंवाने वाले की परिजन के प्रति मुख्यमंत्री ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि वज्रपात से सारण जिले में 5 लोगों की मृत्यु दुखद है। मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे अब शिक्षक। मुख्यमंत्री के सलाहकार तथा बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है कि राज्य के 9,360 सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को बिहार के इतिहास की विशेष जानकारी दी जाएगी। खासतौर से इतिहास विषय के शिक्षकों के लिए यह विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के साथ बातचीत चल रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। बिहार के 11 विश्वविद्यालयों की मान्यता की जाएंगी रद्द। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार के 11 यूनिवर्सिटी और 325 कॉलेजों की अब मान्यता रद्द करने का फैसला लिया है। मामला 287 करोड़ की अनुदान राशि का उपयोगिता नहीं देने का है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार ने 7 विश्वविद्यालय के कुलपति को यह आदेश देते हुए कहा कि पहले फेज की सूची में 14 कॉलेजों की मान्यता 18 अगस्त के पहले खत्म किया जाए और इसकी जानकारी कोर्ट को दिया जाए। विश्वविद्यालय के कुलपति अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है। अगर 14 कॉलेजों की बात की जाए तो इसमें वीएन मंडल विश्वविद्यालय और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के सबसे ज्यादा कॉलेज शामिल हैं। डाक विभाग में 27 लाख रुपए की हुई हेराफेरी। बिहार में कोई भी क्षेत्र भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी से अछूता नहीं रह गया है। ऐसा ही एक मामला आया है बेगूसराय जिले के डाक विभाग से। दरअसल बिहार के बेगूसराय डाक विभाग में 27 लाख रुपए के चेक की हेराफेरी का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में डाक अधीक्षक ने हेराफेरी की घटना से इनकार किया है। दरअसल पूरा मामला शुरुआत चेक के गुम हो जाने के बाद से हुआ है। बताया जा रहा है कि चेक गुम हो जाने के 1 महीने बाद चेक के माध्यम से निकासी की गई। इस मामले में विभाग के 4 डाक कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश के कुछ जिलों के भूजल में मिले यूरेनियम की उच्च सांद्रता। बिहार के कुछ जिलों में भूजल में यूरेनियम की उच्च सांद्रता मिलने से प्रशासन चिंतित है। राज्य के 10 जिलों से पानी के 100 नमूनों को केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के लखनऊ केंद्र पर वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है। CGWB के क्षेत्रीय निदेशक ठाकुर ब्रह्मानंद सिंह का कहना है कि पेयजल में यूरेनियम का मिलना लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। जिन जिलों के भूमिगत जल के नमूने हाल में लिए गए हैं वे हैं नालंदा, नवादा, बिहार, मधेपुरा, वैशाली, सुपौल, औरंगाबाद, गया, सारण और जहानाबाद शामिल है। उन्होंने कहा कि पानी के नमूनों को इंडक्टिवली कंपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के माध्यम से समस्थानिक यूरेनियम विश्लेषण के लिए भेजा गया है। इस तरीके का उपयोग समस्थानिक अनुपात का बेहद सटीक पता लगाने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में कदम उठाए जाएंगे। बेरोजगारी रथ पर सवार होकर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जन सरोकार के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन आज यानी 7 अगस्त को प्रतिरोध मार्च निकाला है। राबड़ी देवी के आवास से प्रतिरोध मार्च के लिए बेरोजगारी रथ पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सगना मोड़ की तरफ रवाना हुए। इस यात्रा के लिए राबड़ी देवी ने हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सगना मोड़ से गांधी मैदान तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। मालूम हो कि उन्होंने कहा था कि गरीबों की आमदनी अगर 10 से 15 हजार है और अगर घर में 4 लोग भी हो तो उनके पास 1 पैसा नहीं बचता है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। बच्चों की
महंगाई, घर का किराया, बिजली बिल सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव इसका विरोध करेंगे। ISIS संगठन से जुड़ा बिहारी मूल का शख्स दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली में एक तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान बिहार मूल के एक शख्स को दिल्ली के बाटला हाउस से ISIS से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किया गया आतंकी दिल्ली के बाटला हाउस में रह रहा था। सूचना मिलने पर जांच एजेंसी ने बाटला हाउस की रेकी शुरू की और आखिरकार ISIS के सक्रिय आतंकी को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि मोहसिन अहमद आसपास के लोगों पर नजर रखता था, मौका पड़ने पर लोगों को भड़काने की कोशिश करता था। RCP सिंह के सपोर्ट में पूर्व जदयू नेता ने कहा, उनके बढ़ते कद से कुछ लोग घबरा रहे हैं। जदयू के पूर्व अध्यक्ष पर अपनी ही पार्टी के द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में RCP से घिरते ही नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में नेता कन्हैया सिंह ने उनका सपोर्ट करते हुए बड़ा बयान दिया है। जदयू नेता कन्हैया सिंह ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के बढ़ते कद से पार्टी के कुछ लोग घबरा गए हैं। RCP सिंह के कार्यक्रम में उमड़ती भीड़ से लोग परेशान हैं, यही कारण है कि उनके खिलाफ उनकी संपत्ति को लेकर भ्रामक बातें फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा जिस जमीन की बात की जा रही है वो RCP सिंह की पत्नी और बेटी के नाम खरीदी गई है। मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के प्रतिरोध मार्च की खूब की खिंचाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा आज निकाली एक प्रतिरोध मार्च के ऊपर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खूब भड़के। दरअसल भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी तुलसीदास जयंती के अवसर पर लंबे समय बाद पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के प्रतिरोध मार्च को लेकर कहा कि कभी सत्ता में रहते हुए प्रतिरोध किया, अब सत्ता से बाहर है तो फिर प्रतिरोध कर रहे हैं। अब जनता तय करेगी कि जो लोग गोली बम और जंगल राज से आए हैं उन्हें यहाँ की जनता जवाब देगी। मनोज तिवारी ने कहा कि अगर उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार से इतनी चिंता है तो जनता के पास से जाएं, यूं सड़क पर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। जदयू के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे CM। RCP सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू में सियासी उथल पुथल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के सभी सांसदों के साथ मंगलवार को पटना में बैठक करेंगे। CM नीतीश ने सभी जदयू सांसदों को सोमवार तक राजधानी पटना में आने को कहा है। दरअसल जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद CM नीतीश अब एक्टिव हो गए हैं। मालूम हो कि RCP सिंह पर जदयू ने कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें RCP सिंह और उनकी पत्नी सहित दोनों बेटियों पर जदयू ने आरोप लगाया है कि RCP सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 2013 और 2022 के बीच बड़ी संपत्ति अर्जित की गई है। RCP सिंह का जदयू से इस्तीफा, क्या आर्थिक अपराध इकाई अब करेगी संपत्ति की जांच? काफी दिनों से जदयू से अलग थलग चल रहे RCP सिंह ने आखिरकार जदयू से इस्तीफा दे ही दिया है। मालूम हो कि RCP सिंह पर जदयू के नेताओं ने ही अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद इस पर जदयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप पत्र दायर कर RCP सिंह से जवाब मांगा था, जिसके बाद RCP सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया था। वहीं अपने ऊपर लगे आरोप के बाद पहली बार RCP सिंह मीडिया के सामने मुखातिब हुए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बताया कि यह पार्टी डूबता हुआ जहाज है, आने वाले दिनों में इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इन सबके बीच उस संपत्ति विवाद को लेकर औरंगाबाद निवासी रजनीश ने आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत की है। अब देखना यह है कि क्या आर्थिक अपराध इकाई मामले की जाँच करता है या नहीं। आज भारत के खिलाफ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगी वेस्टइंडीज की टीम। बीते दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे मैच में जीत दर्ज करने के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना ली है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को लगातार 9वीं सीरीज में जीत मिली। रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में पिछले 9 सीरीज में एक भी सीरीज नहीं गंवाई और साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ उनकी जीत की जिस सफर की शुरुआत हुई थी वो अभी भी जारी है। भारत ने चौथा T20 मैच 59 रनों से जीत लिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वां और आखिरी T20 मैच 7 अगस्त यानी आज खेला जाएगा। मैच फ्लोरिडा में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा के बाद लव्ड लाल सिंह चड्ढा कर रहा ट्रेड। 2 दिग्गज सितारों की फिल्में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन रिलीज के लिए तैयार है और दर्शकों को इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार है। इन फिल्मों की एडवांस बुकिंग भी धड़ाधड़ शुरू हो चुकी है। एडवांस बुकिंग की बात करें तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा बुकिंग रेस में बढ़त बनाए हुए, यानी कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड के बावजूद भी दर्शक
दर्शकों का इस फिल्म के लिए क्रेज कहीं से भी कम दिखता नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि अब बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा की जगह लव्ड लाल सिंह चड्ढा ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। इस तरह से सोशल मीडिया इस फिल्म के लिए दो गुट में बढ़ चुके हैं। देश भर में आए 20,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,738 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत की रिकवरी रेट 98.50% है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 225 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 68 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,17,911 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 227 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, धनंजय सिंह, अवधेश कुमार, रवि कुमार राज, इंद्रदेव कुमार, कुलदीप कुमार, परवेज आलम, इसनिशा और सत्येंद्र शाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत बनाम वेस्ट इंडीज आज के मुकाबले में भारतीय टीम में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा होने वाला है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।